ओम ह्रीं अरहं अणमोजिनाणम अणमो ऋणान गुरुणम अणमो विद्यासायरम। मूकमाटी महाकाव्य पेज नंबर 133 133। यहाँ पर शिल्पी माटी का रोधन प्रारंभ करता है और बीच में ही सात रस जो बहुत अच्छी तरह शब्दों को सुंदर बनाने का साहित्य और काव्य की विधाओं में अपना स्थान रखते हैं, उनका क्रमशः यहाँ पे चित्रण किया जा रहा है। तो सबसे पहले तो वीर रस आया, उसके बाद हास्य रस आया। अब हास्य रस के विषय में शिल्पी अपने विचार रखता है, क्या कहता है? ओ रे हंसिया, हंस हंस कर बहस मत कर, हास्य रस की कीमत इतनी मत कर। क्या कह रहे हैं कि ये हास्य रस, हंसी हंसी में बहस मत करो और तुम हास्य रस की इतनी कीमत अर्थात इतनी तारीफ, इतनी बातें बनाने की बातें मत करो। हास्य रस ऐसा, हास्य रस वैसा, तुमने बहुत कुछ कह दिया हास्य रस के विषय में। क्यों, तेरे अभिमत पर हम सहमत नहीं है। शिल्पी कहता है तुम्हारे विचारों से हम सहमत नहीं हैं, तुमने जो कुछ बातें हास्य रस के विषय में कही वे उनसे हम सहमत नहीं हैं। हंसी की बात हम स्वीकार नहीं सकते, सत तथ्य की भांति किसी कीमत पर। सुनो, एक तो सत्य है और एक हंसी हंसी की बात है। एक तो कोई सत्य का उद्घाटन कर रहा हो और एक कोई हंसी हंसी में बातें कर रहा हो, तो हम हंसी हंसी में की गई बातों को स्वीकार नहीं करते। कह रहे हैं हंसी की बात हम स्वीकार नहीं कर सकते। सत्य तथ्य, सत्य हो और तथ्य की बात हो, प्रामाणिक बात की भांति किसी भी कीमत पर। हंसी हंसी में की गई बातों को हम किसी भी कीमत में स्वीकार नहीं करते। शिल्पी ने यूं फिर से कहा, खेद भाव के विनाश हेतु हास्य का राग अवश्य भले ही हो, किंतु वेद भाव के विकास हेतु हास्य का त्याग अनिवार्य है। हास्य भी कषाय है ना। देखो कितना सुंदर चित्रण, एक एक शब्द हमारी आत्मा को जैसे जाकर छूता हो। क्या कह रहे हैं? देखो, भले ही खेद भाव के विनाश हेतु हास्य का राग अवश्य भले ही हो। देखो, जो दुखी हैं, जो पीड़ित हैं, जो इनको कष्ट है, उनसे कहा भैया हंसना सीखो, थोड़ी सी मुस्कान लाओ, चेहरे पर प्रसन्नता लाओ, लेकिन ये ध्यान रखो हास्य भी तो कषाय है, इसलिए क्या करो। किंतु वेद भाव के विकास हेतु, वेद का अर्थ है यहाँ ज्ञान, तो केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए हास्य का त्याग अनिवार्य है। अर्थात जैसे जैसे ज्ञान की गंभीरता आएगी वैसे वैसे हंसी भाव कम होगा। क्यों, हंसने वालों को लोग मजाक में ले लेते हैं, अरे ये तो हंसते हंसते यूं ही बात को कह रहे हैं, तो इसलिए हंसी छूटेगी तब केवल ज्ञान होगा। ध्यान से सुनो, यह हास्य नाम की कषाय है जो नौवे गुणस्थान के 36 अंशों में से एक अंश में जाकर समाप्त होगी। नवम अंश दसम अंश आदि में कषायों का जब नाश होगा तब वहां जाके हास्य नाम की कषाय नाश को प्राप्त होगी, और केवल ज्ञान 10वें गुणस्थान से जैसे ही सूक्ष्म लोक का नाश करके प्रवेश करेंगे 12वें में, और भी महाज्ञान संपन्न केवल ज्ञानी हो जाएंगे। तो कह रहे हैं वेद भाव के उदय के लिए, अर्थात वेद भाव जो परम केवल ज्ञान है, उस परम केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए हास्य की आवश्यकता नहीं है, अपितु हास्य का तो नाश ही वहां अनिवार्य है। पूर्णता छोड़ना होगा, थोड़ा बहुत नहीं, अपितु हास्य भी कषाय है ना, हास्य का त्याग अनिवार्य है। हसनशील वाला प्राय उतावला होता है, कार्य अकार्य का विवेक, गंभीरता धीरता कहाँ उसमें, बालक सम बावला होता है वह। जो हसन स्वभाव वाला होता है, हमेशा हंसता रहता है,
वो कैसा होता है? वह तो जल्दबाजी वाला होता है, उतावला होता है, और लोग उसे गंभीरता से नहीं लेते। अरे ये तो हंसी हंसी में ऐसा कह रहे होंगे, तो कह रहे हैं गंभीरता और धीरता और कार्य के प्रति कार्य और अकार्य का विवेक, क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं है, इसका विवेक भी उसमें नहीं होता। धीर गंभीरता कहाँ उसमें, अर्थात उसमें धीरता और गंभीरता नहीं होती। बालक सम बावला होता है वह, और एक छोटे से बच्चे के समान विवेक से हीन होता है वह। तभी तो स्थिति प्रज्ञ हस्ते कहाँ, मोह माया के जाल में आत्मविग फंसते कहाँ। एक ज्ञा धातु है, पूर्व में भी आपको बदलाया, ज्ञा धातु जानने के अर्थ में होती है, और उस ज्ञा के साथ जो शब्द लग जाए वैसा अर्थ बनता है। जैसे आ लग जाए तो अज्ञ हो गया, बिना ज्ञान वाला, मतलब अज्ञानी। उसी में प्रा शब्द लग जाए, प्रा उपसर्ग, तो बन जाएगा प्रज्ञ अर्थात प्रकृष्ट ज्ञानी, और उसी में लग जाए वी तो विशेष ज्ञानी। तो क्या कह रहे हैं, तभी तो स्थिति प्रज्ञ हस्ते कहाँ, जो स्थिति में प्रज्ञ है अर्थात जिन्होंने समता को धारण कर लिया है, जो मान अपमान में समान भाव को धारण कर चुके हैं, जिन्होंने अपने योगों को जीत लिया है, ऐसे जो महायोगी हैं वे यहां वहां की बातों में हंसते नहीं। ये तो कैसे हैं, स्थिति प्रज्ञ हैं, जिनकी प्रज्ञा स्थित हो गई है। फिर मोह माया के जाल में आत्मविग फंसते कहाँ, और जो आत्म तत्व के ज्ञाता हैं वे पुरुष इस संसार की मोह माया में फंसते नहीं। यहाँ लोग हंसकर छल लेते हैं, तो आचार्य महाराज कह रहे हैं हंस के छलना नहीं और हंसी से छले जाना नहीं, वरना हंसते हंसते कोई भी किसी को छल लेगा। जिनकी बुद्धि आत्म तत्व के प्रति स्थिर हो गई है उन्हीं का नाम स्थिति प्रज्ञ है, उनको स्थित प्रज्ञ कहते हैं। जिनकी मना स्थिति, वचना स्थिति, काय स्थिति स्थित हो गई है, ऐसे पुरुष ना ही हंसते हैं और ना ही मोह माया में फंसते, वे तो मात्र आत्मदृष्टा आत्मज्ञाता, मतलब जानते और देखते हैं, फंसते नहीं हैं। अपनी दाल नहीं गलती लगकर, अपनी चाल नहीं चलती परख कर, हास ने अपनी करवट बदल ली। और जहां हास्य रस को पता चला कि भैया अपनी बात यहाँ बन नहीं रही, शिल्पी अपनी बातों में आ नहीं रहा, तो अब क्या करना, जब अपनी दाल नहीं गल रही है, जब अपनी चाल नहीं चलती परख कर मतलब देख कर, तब उसने क्या किया, हास्य रस ने अपनी करवट बदल ली, अर्थात हास्य रस जाकर छिप गया, और साथी का स्मरण किया, और उसने अपने साथी को बुलाया। कौन है उसका साथी बतलाते, जो महासत्ता माटी के भीतर बहुत दूर रहस रसातल में उबलता, कराल काला रौद्र रस जाग जाता है, ज्वलनशील वाला हृदय शून्य अद्रया मूल्य वाला। क्या कह रहे हैं, इतनी में ये हास्य रस शांत हो गया और रौद्र रस प्रकट हो गया। रौद्र रस क्या है, रौद्रता क्रोध घमंड अहंकार से उत्पन्न हुई जो कषायलापना है, कषायों की तीव्रता के साथ जो स्थिति है वह रौद्रपना है। तो रौद्रपने की उत्पत्ति हुई, कैसा है वो रौद्र, उसके विषय में बताते, बहुत दूर रहस रसातल में उबलता, जो बहुत गहराइयों में कहीं डूबा हुआ था, बहुत गहरे में उबल रहा था, ऐसा कराल मतलब क्रूर काला रौद्रस काले रंग वाला, जो सर्प के समान भयंकर काला है, कराल काला मतलब सर्प के समान काले रंग वाला रौद्रस जाग रहा है, ज्वलनशील वाला। वो कैसा है, भयंकर ज्वलनशील है, दूसरों को जला देने वाला है, हृदय शून्य अर्थात उसमें कोई दया करुणा अदया है, और वह अमूल मूल्य वाला अर्थात अदया ही जिसका मूल है, ऐसा वह हास्य रस को दबाकर और रौद्र रस प्रकट हो रहा है, क्रोध भयंकर क्रोध वहां पर प्रकट हो गया। घटित घटना विदित हुई, उसे
चित्त छुवित हुआ उसका, पित्त कुपित हुआ उसका, भ्रुकुटियां टेढ़ी सी तन गई, आंखें की पुतलियां तो लाल लाल तेजाबी बन गई। और जहां उसने स्थिति को देखा कि आसरस की बेइज्जती यहाँ पे हो गई है, तो उसने क्या किया, चित्त छुपित हुआ उसका, उसका चित्त क्षोभ से भर गया, और पित्त कुपित हुआ उसका, और उसकी गर्मी बढ़ गई। पित्त एक प्रकार की धातु, शरीर में तीन प्रकार के तत्व होते हैं, वात पित्त और कफ। तो जो ठंडा होता है वो कफ होता है, और जो गर्म होता है वो पित्त होता है, और जो हवा के समान चलायमान होता है वह वात होता है। तो यहां पित्त उसका कुपित हुआ, अर्थात उसको बहुत तेज गुस्सा आया। फिर भ्रुगुटियां टेढ़ी सी तन गई, और भ्रुगुटियां मतलब आंखों के ऊपर की ये पलकें, और ये आईब्रोज, और ये तन गई मतलब गुस्से में जैसे किसी को तन जाती है। आंख की पुतलियां तो लाल लाल तेजाबी सम बन गए, और जैसे मानो तेजाब उगल रहा हो, जैसे कोई ज्वालामुखी फूट रहा हो, ऐसी उसकी लाल लाल आंखें दिखने लगी। देखते देखते गुब्बारे सी फड़फड़ाती लंबी नासा फूलती गई उसकी, और उसकी नाक फूल रही है, क्योंकि जब किसी गुस्सा आता है तो नाक पर लाल लाल और पसीना पसीना दिखता है, नाक फूलने लगती है, क्योंकि सबका गुस्सा नाक पर ही तो स्थित रहता है। अगर बाती का योग नहीं मिलता तो बात दूसरी थी, अधूरी थी, मगर बात पूरी हुई। भीतर बराबर बारूद भरा हुआ था कि फिर क्या पूछता, नाक में से बाहर की ओर सघन धूम मिश्रित कोप की लपटें लप लपाती लाली बहने लगी। अब वह नाक खतरनाक लगने लगी, इसी से लगता है कि कोप की कोशिका नाक ही है, नाक में दम कर रखा है इसको मनाक भी, संदेह नहीं इसमें। और वहां पर स्थिति कुछ और पलट गई, हंसते हंसते सारा का सारा माहौल गुस्से में परिवर्तित हो गया। नाक में दम कर रखा है, ऐसी कहावत तो हमने सुनी थी, हाँ सुनी थी, तो क्या हुआ, कहावत ठीक ही लग रही है, क्योंकि क्या हो गया, सारा माहौल बिगड़ गया। महाराज कह रहे हैं अगर बत्ती का योग नहीं मिलता तो बात दूसरी थी। अगर बाती में अगरबत्ती नहीं लगती तो हो सकता था चिंगारियां दिखती नहीं, खुशबू सुगंध जो फैल रही है वो दिखती नहीं, लेकिन यहां तो कुछ और हो गया। बात दूसरी थी, अधूरी थी, मगर पूरी हुई। भीतरी बराबर बारूद भरा हुआ था ही, फिर क्या पूछता, अंतरंग में बारूद था और बाहर से उसने हाश ने चिंगारी लगा दी। अब किसी के अंदर में बहुत सारी बातें पहले से भरी हुई हो और सामने से कोई थोड़ी सी बात शुरू कर दे तो फिर वो उगलना चालू कर देता। तो ऐसे कह रहे हैं कि मानो कोई बम है और उस बम में बारूद भरा हुआ है, बस कोई एक छोटा सा सामने उसके अगरबत्ती लाकर भी छोड़ दे तो वह तिलमिला उठता है। ऐसी स्थिति यहां पर हुई कि नाक में से बाहर की ओर सघन धूम मिश्रित कोप की लपटें, और नाक में से मानो धुआं निकलने लगा है, लप लपाती लाल लाली बहने लगी, वह नाक खतरनाक लगने लगी, इसी से लगता है कि नाक कोप की कोशिका नाक ही है। अरे क्रोध का खजाना है नाक, सारा ही गुस्सा इस नाक पर आकर टिक जाता है, नाक में दम कर रखा है इसको मनाक भी, संदेह नहीं इसमें, 1% भी संदेह नहीं है, ये तो बिल्कुल क्लियर है कि इसने नाक ने ही सब कुछ गड़बड़ करके रखा है। नाक में दम कर रखा कहावत ठीक ही लग रही है, क्योंकि क्रोध का भंडार नाक में ही छिपा है, इसमें थोड़ा सा भी संदेह नहीं कि भीतर बारूद भरा और बम की बाती पर जलती हुई अगरबत्ती और लगा दी जाए तो बम फूटता ही है। वैसे ही दशा रौद्र रस की प्रकट हो रही है, सात्विक गुणों अभागे इसको कहते हैं कि क्या क्या स्थितियां घटित तो हुई, हास्य रस समाप्त हुआ, कोप रस रौद्र रस यहां पर प्रकट हो गया, कहां था जो अंदर अभी तक छिपा हुआ था वो बाहर निकल कर आ गया। सतो गुणों के सत्व की इति का यह
अवभाषण हुआ राजसी तामसी की अति का यह अवभाषण हुआ। और यहाँ क्या हुआ, सात्विकता धीरे धीरे समाप्त हो गई। सात्विकता था सज्जन प्रवृत्ति, समाप्त हो रही है तो उसकी इति का यहाँ अवभाषण हुआ, अर्थात अवबोध हो रहा है, प्रतिभासित हो रहा है कि जैसे सात्विकता सतो गुण सज्जनता धीरे धीरे समाप्त हो रही है। और क्या हो रहा है, राजसी तामसी की अति का यहाँ पर अवभाषण होगा। और यहाँ पर मानो राजसता और राजसता के साथ तामसता, तामसता मतलब अज्ञानता, और विलासता, राजसता मतलब होती विलासता, तो राजसता मतलब विलासी प्रवृत्तियां जहां पंचेंद्रिय के वासनाओं की प्रवृत्ति है, और तामसता मतलब अंधकार अज्ञानता, जो मूर्ख लोग हैं राक्षसी प्रवृत्ति उसको बोलते हैं तामसता। इन दोनों का उदय होता हुआ सा दिखाई दे रहा। अधिक परिचय मत दो निर्भीक हो शिल्पी ने कहा, और देखो सोम की सौम्य मुद्रा, और उसने चंद्रमा के समान अमृत के समान वचनों से उससे कहा तुम अपना ज्यादा परिचय मत दो, तुम्हारा परिचय जगत को खूब पता है, जब क्रोध आता है तो कैसे आग सी लपटें लगती हैं, सबको तुम्हारा परिचय पता है। रुद्रता विकृति है विकार, समिट शीला होती है, भद्रता प्रकृति का प्रकार है, अमिट लीला होती है। क्या कहा उसने, हमें तुम्हारे स्वभाव के विषय में खूब पता है, क्या पता है देखो बड़ी अच्छी तरह, तुम अपना ज्यादा परिचय मत दो। रुद्रता विकृति है विकार, जो कैसी है, समिट शीला होती है, सब कुछ मिटा देने वाली होती है। और भद्रता अर्थात सरलता कैसी है, प्रकृति का प्रकार है, प्रकृति का ही एक स्वभाव है जो अमिट लीला होती है, जिसकी लीला अनंत होती है, इसलिए तुम रुद्रता की ओर नहीं क्रोध से शांति की ओर चलो। और अज्ञानता से निकल करके क्रोध को छोड़कर क्षमा की ओर बढ़ो। और सुनो यह सूक्ति सुनी नहीं क्या, पूछते हैं कहीं इसकी सूक्ति तो नहीं सुनी थी तुमने, अगर सुनी है तो हम सुना देते हैं, नहीं सुनी है तो क्या। आदम कम खर्चा ज्यादा, लक्षण है मिट जाने का, और कुवत कम गुस्सा ज्यादा, लक्षण है पिट जाने का। क्या अगुरु महाराज बीच में उसको संबोधन करते हुए कहते हैं, सुनो अगर तुमने नहीं सुना हो तो हम सुना देते हैं, हमारी बात सुनो। क्या कहते हैं, सुनो, आदम कम मतलब आमदनी कम हो, इनकम का सोर्स कम हो, और खर्चा ज्यादा और खर्चे ज्यादा हो, तो लक्षण है मिट जाने का, शीघ्रति शीघ्र भी राजा महाराजाओं के खजाने खाली हो जाते हैं, जब आय के स्रोत समाप्त हो जाते हैं। देखो गुरु महाराज बीच बीच में सबको समझा रहे हैं, अब आपको अर्थव्यवस्था समझा रहे हैं कि अर्थव्यवस्था कैसे चलनी है। आदम कम खर्चा ज्यादा, लक्षण है मिट जाने का, अगर इनकम का सोर्स कम है और खर्चे ज्यादा हैं तो समझ लेना इनका विनाश आ गया है। आदम मतलब आमदनी, तो आमदनी का खर्चा कम है, आमदनी का स्रोत कम हो और खर्चे का स्रोत बड़ा हो तो समझ लेना लक्षण है मिट जाने का। और कहते हैं कुवत कम, कुवत मतलब शक्ति ताकत कम है, और गुस्सा ज्यादा लक्षण है पिट जाने का, अगर खूब ज्यादा गुस्सा दिखाए और ताकत में कमजोर हो तो सामने वाला पीट कर चला जाएगा। दोनों बातें बहुत महत्वपूर्ण है, पहला हमें अपने इनकम सोर्स पर ध्यान देना है, उसके बाद अपने खर्चों को बनाना है, अन्यथा खर्चे ज्यादा हो जाएंगे, इनकम का स्रोत कम होगा तो नियम से पतन होगा। इसलिए आचार्य महाराज अच्छी तरह अर्थव्यवस्था समझा रहे हैं कि तो आपने कमंडल देखा, हाँ देखा, क्या सीखे उससे, जगत की अर्थव्यवस्था सिखलाई उससे। इसमें क्या होता है, इनकम का सोर्स तो बड़ा होता है और खर्च का स्रोत छोटा सा होता है, पानी को आने के लिए इतना बड़ा द्वार है लेकिन पानी को निकालने के लिए इतना सा। यही है कि आपको कैसे जीवन जीना है, जिसमें आय का स्रोत तो बहुत बड़ा हो, आने के लिए तो चार चार जगहों से आता हो, लेकिन खर्च
अल्प मात्रा में हो तब तो जीवन का निर्वाह सम्यक रूप से होगा, अन्यथा समीचीनता धीरे धीरे समाप्त होती चली जाती है और विकृतियां बनने लगती हैं, विकारों का पूर्ण जीवन बनने लगता है। क्योंकि विकृतियां क्यों आती हैं? क्योंकि फिर हमको अन्याय अनीति अत्याचार से धन का संग्रह करना पड़ेगा, अन्यथा दुखी होना पड़ेगा। इसलिए गुरु महाराज ने नर्मदा के नरम कंकड़ में एक पंक्ति लिखी, बहुत सुंदर कविता है। उन्होंने लिखा, जिस श्रावक के पास कोड़ी नहीं वो कोड़ी का है, और जिस साधु के पास कोड़ी है वो कोड़ी का है। कोड़ी मतलब एक पैसा। तो जिस श्रावक के पास एक पैसा नहीं है उसकी कोई कीमत नहीं है, और जिस साधु के पास एक भी कोड़ी है उसकी कोई कीमत नहीं। क्योंकि आपने तो संकल्प लिया था अपरिग्रह, मैं अपने पास रंच मात्र परिग्रह का संग्रह नहीं करूंगा, फिर ये सब क्या है। और अगर आपके पास कोड़ी नहीं है तो आप दान पूजा अवश्य कैसे पूरे करोगे? तो क्या करना, आमदनी के स्रोतों को खोलना है चारों तरफ से, लेकिन अन्याय अनीति अत्याचार निर्माल इनसे बचने का पुरुषार्थ करना। उससे क्या होगा, उससे आपका पाप नहीं बढ़ेगा, पुण्य बढ़ेगा। क्योंकि पुण्य के योग में संपदा तो मिल जाएगी, लेकिन पाप बढ़ने से धीरे धीरे वह संपदा समाप्त हो जाएगी। समंत भद्र देव लिख के गए, क्या लिख के गए, सबको जागृत करके गए कि पूत सपूत तो काधन संचय और पूत कपूत तो काधन संचय। यदि पाप का आश्रय हो रहा है तो संपदा से क्या प्रयोजन, और यदि पुण्य का आश्रय हो रहा है तो संपदा से क्या प्रयोजन। अर्थात यदि निरंतर पुण्य बढ़ रहा है तो निरंतर धन संपत्ति सब बढ़ेगी, और निरंतर पाप बढ़ रहा है तो धन संपत्ति सब कुछ समाप्त हो जाएगी, चाहे आप कितना भी एकत्रित कर लें। इसलिए इस जीवन में हमको वह कमाना है जो हमने अनंत जीवन में आज तक नहीं कमाया है। लक्ष्य ही होना चाहिए, डायरी के ऊपर लिख लेना चाहिए पहले पेज पर कि इस जीवन में हमें वह कमाना है जिसे हमने आज तक नहीं कमाया। अब ऐसा कुछ कमाना है जो हमें निरंतर आगे लेकर जाए, जो हमारा हमें वृद्धिगत करे, जो हमें वापस पतन की ओर ना लेकर जाए, अभी तो पतन से उठाकर आगे की ओर बढ़ाए। तो कितना सुंदर पंक्ति है, इस पंक्ति को बार बार याद करो कि आदम कम खर्चा ज्यादा लक्षण है मिट जाने का, कुवत कम शक्ति की हीनता हो और गुस्सा ज्यादा तो लक्षण है पिट जाने का। घर परिवारों में जो युद्ध होते हैं जिसे हम लोग महाभारत कहते हैं, घर घर में जो लड़ाई हो तो उसे महाभारत कहते हैं, और पड़ोसियों के साथ लड़ाई हो तो उसे रामायण कहते हैं। तो जब घर घर की लड़ाई हो तो क्या होता है, महाभारत। कैसे होती है वो महाभारत? वो महाभारत होती है हमारे स्वयं के अविवेक से। जब हमारे पास शक्ति कम है तो गुस्सा कम करो, जब हमारा अधिकार क्षेत्र कम है और सामने वाले का अधिकार क्षेत्र अधिक है तो गुस्सा कम करो, गुस्से को शांत रखो। गुस्सा तब करो जब उसकी आवश्यकता हो। अगर आप हर जगह गुस्सा करेंगे तो आपके लक्षणों से आपका विनाश संभव है। तो ये पंक्तियां हर घर के लिए आवश्यक हैं। आदम कम खर्चा ज्यादा लक्षण है मिट जाने का, और कुबत कम गुस्सा ज्यादा लक्षण है पिट जाने का। याद कर लो इसको सब, और जीवन में अंगीकार कर लो कि जब तक हमें आमदनी का स्रोत बड़ा नहीं दिखेगा तब तक खर्चे बड़े बड़े नहीं करने। और सुनो, अगर जीवन में बड़ा आदमी बनना है तो क्या करना है? बड़ा आदमी बनने का एक मूल मंत्र है, वह क्या है, नियम से अपने इनकम सोर्सों को बढ़ाओ और खर्चे के स्रोतों को कम करने का प्रयास करो। ये बड़े आदमी बनने का पहला मंत्र। दूसरा मंत्र क्या है? दूसरा मंत्र यह है कि अगर जीवन भर किराए के मकान में रहना पड़े तो रह लो, लेकिन जहां से आय का स्रोत बने ऐसी दुकान ऐसा स्थान अवश्य खरीद लो। क्या अगर ऐसा कुछ आपके पास नहीं है जहां से इनकम का स्रोत होता हो, जहां से आय आ सकती हो, यदि आय का स्रोत नहीं मिला तो यह जीवन कार्यकारी नहीं बनेगा। क्यों?
क्योंकि जिनके पास आचार्य महाराज ने पहले ही अच्छे से आपको समझा दिया कि जब तक आय का स्रोत नहीं है तब तक आपका लक्षण गृहस्थी को मिटाने का है, चलाने का नहीं। गृहस्थी चल नहीं सकती, समीचीन रूप से चलाना हो तो अच्छी तरह आय का स्रोत बड़ा हो और खर्च का स्रोत कम हो, खर्चे कम हो आमदनी अधिक हो। आप क्या कहते हैं? पेज नंबर 136 पहला। बस इसी बीच कुछ उल्टी स्थिति उभरती है, शिल्पी की मति बिगड़ती है। और शिल्पी की मति अब बिगड़ती है, कैसे बिगड़ती है, क्या होता है, इसे हम आगे अगले एपिसोड में देखेंगे।